हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट के द्वारा कॉमन मिस्टेक्स जो कि की जाती हैं और जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस बच्चे जो है कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी क्लास में रैंक भी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्ट्रैक्ट अ फ्रॉम बी। जैसे कोई सेंटेंस लिखा है सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ए माइनस बी कर देंगे। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, यानी कि बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। इसे यहाँ पे ये इसका सही हो जाएगा बी माइनस ए। अगर इसको हम नंबर्स में बात करें, जैसे हम यहाँ पे लिख दें ए की वैल्यू अगर 4 कर दें और बी की वैल्यू 5 कर दें, तो यहाँ पे लिखा ए फ्रॉम बी, जो रॉन्ग होगा वो हो जाएगा 4 माइनस 5 हो जाएगा, ये रॉन्ग है। जब सही क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी यानी कि बी से ए को क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। बी से ए को घटाएंगे, ना कि ए से बी को घटाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला दिया हुआ है जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट 3x-5 फ्रॉम x2+4x-5। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं x2+4x-5, और इसको माइनस करना है इसमें से, तो लिखेंगे 3x-5। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, उनका सारा का सब पूरा सवाल जो है गलत हो जाता है, उनके नंबर कट जाते हैं। बच्चों ने गलती क्या की, यहाँ पे देखिए इसका सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे x2+4x-5, और ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ जब माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इसको इस चीज़ को ना ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे 3x-5। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन x2+4x-5-3x, और ये माइनस अब अंदर जाएगा तो यहाँ का हो जाएगा प्लस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये बच्चे गलती करते क्या हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी थी, ये x2+4x-5-3x-5। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी एक्चुअल में, x2+4x-5-3x+5, ये इक्वेशन बनेगी। इसलिए यहाँ पे क्या था, ये आपको ये अगर ऐसे कर दिया तो आपका सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। सही तरीका क्या है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ये दिया हुआ है स्क्वायर रूट मिस्टेक। बच्चे स्क्वायर रूट में कैसे मिस्टेक करते हैं, जैसे लिखा है √3x, इसको बच्चे लिख देते हैं 3x^1/2, जो कि तरीका गलत है। इसका मतलब क्या है, जो ये 1/2 जो रूट का साइन है, 1/2 लिखा गया है, जो ये लिखा है इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये रूट किस पे लगा है, x पे लगा है, 3 पे इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, जबकि रूट में क्या था, √3x था ना, तो 3 के ऊपर भी रूट यहाँ पे लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि √3x को इस प्रकार से लिख देते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। इसका सही तरीका क्या होगा लिखने को, ये हो जाएगा 3x^1/2, ठीक है, या 3^1/2 और x^1/2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको 3x^1/2 लिखेंगे जब रूट का साइन यहाँ पे हटाएंगे। तो ये मिस्टेक आप ना करें एग्जाम में, नहीं तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अगला है एक्सपोनेंट रूल। यहाँ पे देखिए y^3 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है y^2 से, ठीक है। अब देखिए जब लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y का मल्टीप्लाई किए y लिखा, और ऊपर की पावर का भी मल्टीप्लाई करते 2, 3 या 6, ये कर देंगे, ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है। सही तरीका क्या है, तो y का मल्टीप्लाई होगा तो y लिखेंगे, और ऊपर की जो पावर होंगी वो ऐड होती है 3+2, ये हो जाएगा y^5।
इसका बेसिक सा रूल ये होता है कि जब बेस सेम होंगे और मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। पावर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर का एडिशन होता है। बेस सेम, जैसे ये लिखा है ए के पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई ए के पावर 2, इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर 5 + 2 7 हो जाएगा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, पावर का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 10 लिख देते हैं, वहीं पे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप ये गलती एग्जाम में ना करें, पावर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर का एडिशन होता है जब हमारा बेस सेम होता है, बेस इक्वल होता है देन पावर ऐड होती है, ना कि मल्टीप्लाई। अगला देखते हैं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखी है 2, ब्रैकेट में लिखा है 2x - 5 का स्क्वायर। अब बच्चे जब ये स्क्वायर को इसको ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देंगे 4x - 10 की होल पावर 2। ये रॉन्ग है, गलत है। सही तरीका क्या होगा कि पहले आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस प्रकार से करेंगे, इसका जब स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, 4x² + 25 - 5 × 10 = 20x ये हो जाएगा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x² + 50 - 40x ये आएगा। ये तरीका गलत है कि आप 2 से बिना स्क्वायर को सॉल्व के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर का स्क्वायर जो है को सॉल्व करना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसिलिंग एरर। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आती है 3x³ - 3x / x, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस x को इस x से काट देंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, किसमें से एक पावर हटा देंगे, इसको लिख देंगे 3x² - x / 1 कर देंगे, ये भी आपका गलत है। सही तरीका क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x को जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे x ऊपर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 3x² - 1 ब्रैकेट के बाहर x / x, ये इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3x² - 1, ये आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपने कट किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही तरीका मैंने यहाँ बताया, इस प्रकार से करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे एग्ज़ाम में करते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि इस प्रकार से लिखा है सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, इसका मतलब होता है बी से हमको ए को माइनस करना है। सही तरीका है बी माइनस ए करेंगे, जैसे कोई संख्या लिखी यहाँ पे नंबर दे दिया जाए, तो जैसे लिखा ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है 5 - 4, यानी कि हम 5 से 4 को माइनस कर रहे हैं। यहाँ अगर आपने ऐसे का लिख दिया ए माइनस बी, यानी कि 4 - 5, ये आपका गलत है। सही तरीका ये है। अगला है, अगर कोई इक्वेशन दी है अलजेब्रा में 3x - 5 from x² + 4x - 5, तो इसमें के बच्चे क्या करते हैं, पहले ये क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया, उसका जब माइनस करते हैं तो -3x अंदर का साइन चेंज नहीं करते हैं, जो उनका गलत हो जाता है। सबसे तरीका क्या है, माइनस यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर जब ब्रैकेट को ओपन करिए तो यहाँ पर साइन चेंज भी अंदर के होंगे। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, अगर लिखा है √3x तो क्या करते हैं 3 को बाहर कर देते हैं और x² / 1/2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। सही तरीका क्या है, 3x² / 1/2, यानी कि √ का जो है 3 भी पर भी ये नियम लागू होगा, या इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं 3 × 1/2 × x / x² / 1/2, ये सही तरीका लिखने का है। दूसरा फिर देखा गया था एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट रूल में बताया था कि y की पावर 3 है, उसको मल्टीप्लाई करना है y की पावर 2 से, तो ये हो जाएगा सिंपली y की पावर 6, अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। या उन्होंने क्या किया, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 6 आया, 6 यहाँ पर लिख दिया, ये गलत है। सही तरीका क्या है, y की पावर 3 × y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 6 और पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएंगे 3 + 2, यानी कि y की पावर 5। नेक्स्ट गलती क्या करते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई में अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन लिखी है 2 और ब्रैकेट के अंदर 2x - 5 की होल पावर 2, और बच्चे क्या करते हैं कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर लगी रहने देते हैं, तो ये कर दिए 4x - 10, ये आपका रॉन्ग है। सही तरीका क्या है कि पहले आप स्क्वायर को सॉल्व करिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए। अगला देखा था
कि करेंट आउट प्रॉब्लम में, करेंट आउट प्रॉब्लम में क्या है कि 3x की पावर 3 माइनस एक्स अपान एक्स लिखा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि एक एक्स को इससे काट दिए और उसका आंसर लिख दिए, ये गलत है। सही तरीका क्या है कि आप पहले ऊपर एक्स को कॉमन लीजिए, बाहर निकालिए, फिर कैंसिल आउट करिए, तो इसका आंसर आएगा 3x की पावर 2 माइनस 1। तो इस प्रकार से हमने आपको इस जो है जो बच्चे यहाँ गलती करते हैं वो हमने आपको बताया। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपकी निश्चित रूप से हेल्प की जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसको भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।